तो गाइस अगर आपका YouTube पर एक चैनल है और आप अपने YouTube चैनल पर शॉर्ट वीडियो बनाते हो या मान लो आप लॉन्ग वीडियो बनाते हो, अभी तो मैं बात करूंगा शॉर्ट वीडियो की। अगर आप एक शॉर्ट वीडियो बनाते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना होता होगा, सबसे पहले आपको अपनी वीडियो का टॉपिक सोचना होता होगा एंड उसके बाद आपको अपनी वीडियो को एडिट करना होता होगा। और जब आपकी पूरी वीडियो एडिट हो जाती होगी और आपको भी पता होगा वीडियो एडिट करने में कितना टाइम लगता है, यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। उसके बाद गाइस हम इतनी मेहनत करने के बाद एक वीडियो को तैयार करते हैं एंड उसके बाद जब वीडियो पूरी कंप्लीट तैयार हो जाती है फिर हम उसको YouTube पे अपलोड करते हैं। YouTube पे अपलोड करने के बाद गाइस यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की ज़रूरत पड़ती है जो होता है हमारा टाइटल। तो YouTube पर यहाँ पे दो तरह के लोग होते हैं, एक ऐसे लोग होते हैं जो अपना टाइटल खुद बनाते हैं अपने मन से, जो उनके दिमाग में टाइटल आता है अपने वीडियो के हिसाब से उस हिसाब से वो टाइटल को लिख लेते हैं, कुछ हिंदी में लिख लेते हैं कुछ इंग्लिश में लिख लेते हैं एंड ऐसे ही टेढ़ा मेढ़ा टाइटल मतलब डाल के और वीडियो को पब्लिक कर देते हैं। तो ये गलत तरीका है, ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये गलत तरीका है। ये जब काम आता है गाइस जब आपका चैनल पहले से ग्रो है, आपके चैनल पर पहले से हजारों में सब्सक्राइबर हैं तो ये टाइटल काम कर सकता है, क्योंकि इसको वही लोग देखेंगे जो आपके सब्सक्राइबर होंगे, उसके बाद उस वीडियो का इंप्रेशन बढ़ेगा, फिर वो शॉर्ट फीड में जाएगी, फिर वो बंदे उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो गलत तरीका है जो मैंने आपको बताया है, बट अभी मैं आपको जो सही तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक शॉर्ट वीडियो बनाते हो, मुझे पता है आप लोग बहुत मेहनत करते हो, आप लोग बहुत मेहनत करके एक शॉर्ट वीडियो बनाते होगे बट उस पर व्यूज़ ही नहीं आते होंगे। क्यों व्यूज़ नहीं आते हैं? क्योंकि गाइस उसका मेन रीज़न होता है हमारी वीडियो का टाइटल। ये मैं बहुत वीडियो में आपको समझा भी चुका हूं, लेकिन आज की वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है तो इसको वीडियो को पूरा देख लेना। अब इसमें गलती क्या करते हो आप लोग? आप लोग भी अगर यही गलती करो जो मैंने आपको बताया कि आप अपने मन से टाइटल को बना के शॉर्ट वीडियो को अपलोड कर रहे हो, तो इस गलती को आपको नहीं करना है। अगर आपके चैनल पे पहले से ऑडियंस है, यानी कि आपके पहले से आपके सब्सक्राइबर अच्छे हैं, तो आप इस तरह का टाइटल डाल सकते हो, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज मैं आपको बहुत ईजी तरीका बता रहा हूँ, अगर आपका एक नया चैनल है या फिर आपके चैनल पर व्यूज़ नहीं आते हैं, ठीक है, तो आप इस तरह से टाइटल निकालो। इस तरह के टाइटल जब आप डालोगे तो आपकी वीडियो सर्च में आएगी, शॉर्ट वीडियो भी सर्च में आती है, ये आपको ध्यान रखना है। शॉर्ट वीडियो अगर सर्च में आएगी तो उस पर व्यूज़ आएंगे, ठीक है। तो शॉर्ट वीडियो को सर्च में लाने के लिए हमें एक ऐसा सर्चेबल टॉपिक डालने होंगे जो कि आपको कहीं नहीं मिलने वाले, ऐसे आपको नहीं मिलेंगे जब तक आप उसको रिसर्च नहीं करोगे। और इस टाइटल को रिसर्च कैसे करना है, यानी कि अपनी वीडियो के लिए बेस्ट टाइटल निकालना कहाँ से, ये जब आज की इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे से आपको कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप हर बार अपनी वीडियो का टाइटल ईजिली निकाल पाओगे, ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं चैनल प्रमोशन की। आपको पता होगा कि चैनल प्रमोशन चल रहा है और चैनल प्रमोशन भाग लेने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, बस आपको वीडियो के नीचे कमेंट करनी होती है और चैनल पर पहली बार और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ता है, और जो भी विनर बनता है उसका मैं नेक्स्ट वीडियो में चैनल का नाम दे देता हूं। हाँ गाइस, अब आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पे कि अपनी शॉर्ट वीडियो के लिए बेस्ट टाइटल कहाँ से निकालेंगे। और ये गाइस लॉन्ग वीडियो के लिए भी सही है, अगर आपका एक लॉन्ग चैनल है, अगर आप लॉन्ग वीडियो बनाते हो अपने चैनल पे, तब भी गाइस आप इस तरह से अपने टाइटल निकाल सकते हो, और मैं भी इसी तरह से टाइटल को निकालता हूं, तो आप भी इस तरह से टाइटल निकाल सकते हो। क्योंकि मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा शॉर्ट वीडियो के लिए कि आपको टाइटल कैसे निकालना है। तो इसके लिए गाइस आपको साइड में एक स्क्रीन दिख रही होगी, इसको आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको गूगल क्रोम ब्राउजर या फिर कोई भी अदर ब्राउजर को आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है कीवर्ड, ठीक है, कीवर्ड टूल्स, ये आपको फर्स्ट नंबर वेबसाइट मिल जाएगी कीवर्ड टूल्स। सबसे पहले आपको मिलेगा गूगल एड्स, इसको आपको नहीं लेना है, नीचे आना है तो आपको यहाँ पर एक कीवर्ड टूल्स का सेकंड नंबर पर जो वेबसाइट दिख रही है इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपको थोड़ा सा वेट करना है, यहाँ से थोड़ा सा वेरीफाई करेगा एंड मतलब ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। तो देखो गाइस जब ये वेबसाइट फर्स्ट टाइम ओपन होगी तो इस तरह से आपके सामने इंटरफेस होगा। अभी यहाँ पर आपको सबसे पहले दिख रहा होगा गूगल, तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, गूगल पे टच कर देना है। गूगल पे जैसे ही आप टच करते हैं एंड आपके सामने बहुत सारे प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएंगे, बट अभी तो आपको यूट्यूब के लिए कीवर्ड को निकालना है ना, तो आपको यूट्यूब पे क्लिक कर देना है। यूट्यूब पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है एंड अब ये गाइस आपको सोचना है कि आपकी वीडियो किस टॉपिक पे है, यानी कि जब आपने अपनी शॉर्ट वीडियो को क्रिएट किया होगा तब आपको ये तो पता होगा ना कि आपने कौन सी वीडियो बनाई है, कॉमेडी बनाई है, फैक्ट वीडियो बनाई है, या फिर आपने कुछ अदर कंटेंट बनाया है, गेमिंग का बनाया, फ्री फायर का बनाया। ये सारा मतलब आपको पहले सोच लेना है कि आपकी वीडियो किस तरह की है, ठीक है, वही मतलब आपको यहाँ पे डालना है। आपको थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा कि आपकी वीडियो किस टॉपिक पर है। मान लो आपने एक शॉर्ट फैक्ट वीडियो बनाई है, अब उसमें आपने 3 या फिर 2 या फिर 1 इस तरह का कुछ अमेजिंग फैक्ट बताएं, ठीक है, या कुछ गजब के फैक्ट्स बताएं, तो ये तो मतलब एक टाइटल हो गया ना। तो सिंपली आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है। तो आप सर्च कैसे करना है, आपको यहाँ पे देखना है, मान लो आपने एक ऐसी फैक्ट वीडियो बनाई जिसमें आपने बहुत अमेजिंग दिखाया है, तो यहाँ पर आपको अमेजिंग एक वर्ड मिल गया है, ठीक है, तो इसी टाइटल मतलब यही हमारा टाइटल हो गया अमेजिंग। तो सिंपली आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है अमेजिंग फैक्ट्स, ठीक है, इतना आपको सर्च कर लेना है। और यहाँ पे गाइस अभी थोड़ा सा वेट करना है एंड आप देखना जो आपको मतलब
चाह रहे हो ना कि मुझे इस तरह के कीवर्ड ऐसे मिल जाए जो लोग सर्च करते हो, वही गाइस आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो देखो 686 कीवर्ड मिल चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर गाइस इस तरह से स्क्रॉल डाउन करना है। देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या मिल रहा है, अमेजिंग फैक्ट। तो ये तो पहले ही मैंने कीवर्ड डाला है, बट उसके बाद आपको देखने को मिल रहा है अमेजिंग फैक्ट डॉग बैचलर, अमेजिंग फैक्ट इन हिंदी। ये तो गाइस आपने सोचा भी नहीं होगा कि मैं इस तरह का लिखूं, बट यहाँ पर ये बता रहा है कि, और यहाँ पे अमेजिंग फैक्ट टीवी, अमेजिंग फैक्ट लाइव, अमेजिंग फैक्ट अबाउट द वर्ल्ड, और अमेजिंग फैक्ट मतलब आपका जो भी मतलब कंटेंट जिस तरह का बनाया है आपने, वही चीज आपको देखना है कि मेरा मतलब मैच कर रहा है ना। तो यहाँ पर आप कीवर्ड अपना मैच कर लेना, जो भी आपका वीडियो से मैच करता कीवर्ड है ना, उसी कीवर्ड को आपको उठा लेना है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर यही वाला ले लेता हूँ, अमेजिंग फैक्ट इन हिंदी, इसको मैं कीवर्ड बना लेता हूँ। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर गाइस आपको इस तरह का एक ऑप्शन नीचे दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कॉपी का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपको कॉपी कर लेना है। तो ये कीवर्ड हमारा कॉपी हो गया है। कॉपी करने के बाद गाइस यहाँ पे देखो, अभी कीवर्ड को सिर्फ रिसर्च करना ही ठीक नहीं है, कीवर्ड को बनाना कैसा है ये भी आपको पहले देख लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इस तरह का एक कीवर्ड मिल गया है, तो इसको यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं नोट में। उसके बाद गाइस आपको मतलब स्पेस लगा देना है, और स्पेस लगाने के बाद आपको एक पाई का मतलब इस तरह का एक सिंबल लगाना है, मतलब डंडा होता ना, इसको आपको लगा देना है। तो ये हम लोग का एक कीवर्ड हो गया है। अभी इसका सेकंड कीवर्ड भी निकालना है, मतलब इससे थोड़ा सा अलग। तो उसके लिए भी गाइस कुछ नहीं करना है, इसी को ओपन कर लेना है और यहाँ पे देख लेना है अब कि आपकी वीडियो किस तरह से है, ठीक है। मान लो अमेजिंग फैक्ट अबाउट वुमेन, मान लो आप वुमेन के बारे में बता रहे हो, लोगों के बारे में बता रहे हो कुछ अमेजिंग फैक्ट, तो या अमेजिंग फैक्ट अबाउट गर्ल्स, और अमेजिंग फैक्ट अबाउट पाकिस्तान, नेपाल, जापान, ये सब ये इस तरह से दिखा रहा है, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, मान लो मैं वुमेन्स के ऊपर बनाया, मैंने वुमेन्स की बॉडी के ऊपर फैक्ट्स बनाए, वीडियो बनाई है, तो मैं क्या करूँ, कहाँ गया वुमेन्स, ठीक है, अमेजिंग फैक्ट अबाउट वुमेन बॉडी। तो यहाँ पर कॉर्नर पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसको भी यहाँ से कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद फिर से अपना नोटपैड ओपन कर लेंगे। नोटपैड ओपन करने के बाद इसके आगे जो मतलब डंडा लगाया था ना, उसके आगे सिंपली इसको पेस्ट कर देंगे। तो सॉरी यार, यहाँ पर डबल कॉपी हो चुका है, तो इस वाले को हम यहाँ से हटा देंगे, ये डबल कॉपी हो गया, इस वाले को यहाँ से हटा देंगे और यहाँ से लेते हैं, ठीक है। अमेजिंग फैक्ट इन हिंदी, अमेजिंग फैक्ट अबाउट ह्यूमन बॉडी, ये हो गया। तो ये शॉर्ट का टाइटल है ना, वो क्रिएट हो गया है। बट अभी यहाँ पर गाइस जो लोग बताते हैं, आपको बड़े बड़े यूट्यूबर भी बताते होंगे कि अगर शॉर्ट वीडियो को वायरल करना है तो इसके लिए गाइस कुछ हमें ट्रिक लगानी होती है, जो होती है हैश। तो यहाँ से सिंपली आपको इस तरह से एक हैश लगा देना है, एंड अभी गाइस वापस हमें वहीं पर आना है, ठीक है, कीवर्ड टूल में। कीवर्ड टूल में आने के बाद आपको यहाँ से इस टिक को हटा देना है, एंड इस वाले टिक को यहाँ से हटा देना है, सबसे ऊपर आना है, यहाँ पर आना है, ठीक है। सबसे ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा हैश करके, हैशटैग पे आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। हैशटैग पे आप क्लिक करना है, तो यहाँ पे गाइस आप देखो हैशटैग आ गए, क्या आ गए, अमेजिंग हैश, अमेजिंग फैक्ट्स, अमेजिंग तेलुगु हिंदी। तो अभी हमने टाइटल क्या डाला था, अमेजिंग फैक्ट इन हिंदी। तो इस वाले हैशटैग को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, एक इसको ले लेते हैं और यहाँ से इस तरह से हम इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद वापस आएंगे और नोटपैड में आएंगे, एंड यहाँ पे गाइस हैश लगा दिया था, तो इसको हटा देंगे, सिंपली पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हैश अमेजिंग फैक्ट इन हिंदी एक ये हो गया। और एक कीवर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है गाइस, इसको हमें जरूर लगाना होता है, जो कि होता है हैश शॉर्ट्स। बस गाइस अब आप देखो, आपका कीवर्ड शॉर्ट का कीवर्ड भी हो गया और कीवर्ड भी लॉन्ग हो गया, मतलब बंदे अगर दो तरह से सर्च करते हैं, यानी कि अमेजिंग फैक्ट इन हिंदी तो भी आपकी वीडियो सर्च में आ जाएगी, और अमेजिंग फैक्ट अबाउट ह्यूमन बॉडी तो भी आपकी वीडियो सर्च में आ जाएगी। मतलब ये हमारा एक बढ़िया कीवर्ड, यानी कि जो बेस्ट कीवर्ड, यानी कि जो बेस्ट टाइटल कहते हैं ना, वो इसी को कहते हैं। तो आप भी इस तरह से टाइटल जब भी अपनी शॉर्ट अपलोड करना, उसके बाद आपको रिसर्च करना है इस तरह से, और आपको ऐसे ही टाइटल बना के अपनी वीडियो में डालना है, ऐसे काम करना है गाइस। आपको ऐसा नहीं करना कि कुछ भी टाइटल अपने दिमाग से सोचा और अपलोड मतलब उसको टाइटल को डाल दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हाँ तो गाइस अब आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा मैंने आपको क्या समझाया है, ठीक है। तो आप भी इस तरह से आगे से काम करना, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आ चैनल सब्सक्राइब कर देना, बट उससे पहले इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर देना, ताकि उनको भी इस जानकारी के बारे में पता चल सके।